हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में TSC का TE244 प्रिंटर है या TSC TTP244 प्रो प्रिंटर है तो ये प्रॉब्लम हमेशा आपको आती होगी। तो उसको ठीक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसमें देखिए, जब हम प्रिंट करते हैं तो ये रेड लाइट आने लगती है और जब हम बटन दबाते हैं तो ये ऊपर नीचे प्रिंट करता है, बीच में ब्लैंक लेबल छोड़ देता है, और जब भी और बटन दबाते हैं तो देखिए ऊपर नीचे प्रिंट करता है। इसको कैसे ठीक करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ अपने इस वीडियो में। तो एक भी सेकंड आप मिस मत करिएगा, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो इसमें रह जाएगी और आप सही से कर नहीं पाएंगे। तो मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके आपको वो सेटिंग करके बताता हूँ वो क्या करना है। सिंपल, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रीसेट करना है प्रिंटर को, फिर उसके बाद रन कैलिब्रेशन कर देना है। वो मैं आपके अपने कंट्रोल पैनल में चल के आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब अपने लैपटॉप पे और अब हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल में हम देखेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर्स होंगे, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो जो भी हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल है वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा TSC का TE244, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और प्रिंटर्स प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। और जैसे ही हम प्रिंटर्स प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने टूल्स आ जाएगा। टूल्स में क्लिक करेंगे और जब हम टूल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्शन बटन। एक्शन बटन में क्लिक करते ही एक सेटिंग आएगी, रीसेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। इस सेटिंग को हमें इनेबल करने के लिए वेट करना पड़ेगा और जब आपकी रेड ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगा तो फिर से उसमें हमें हम एक्शन बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम एक्शन बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रन कैलिब्रेशन, और जब तक कैलिब्रेशन हो रहा है उसमें आपके ब्लैंक लेबल्स बाहर निकलेंगे, और जब ब्लैंक लेबल बाहर निकल जाए तब उसके बाद हमें स्टॉप कर देना है और हमारी ये सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप प्रिंट करके देखेंगे तो आपकी सारी सेटिंग प्रॉपर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।